जी अस्सलाम वालेकुम जी, आज का जो इवेंट है ना, ये वॉलंटियर अप्रिसिएशन है। और कोई भी चीज़ या इवेंट जब तक वॉलंटियर ना हो वो आगे नहीं चलते। तो आज हम सिर्फ इकट्ठे हुए हैं अपने वॉलंटियर और स्पॉन्सर को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और ये वो लोग हैं जिनके बगैर हम कोई भी इवेंट नहीं कर सकते। तो आज इन लोगों को हमने सर्व करना था, क्योंकि ये हर जगह पे हर तरीके से हमारी मदद करते हैं लोगों को। आप बारबेक्यू में देखें, अब सब फैमिली वो बना रही थी, टिक्कियाँ बना रही थी, बारबेक्यू हो रहा था, चल रहा था। तो आज हमने इस इवेंट का इनकार इसलिए किया है कि हम इनको रिकॉग्नाइज़ करें। हमने उनके लिए सर्टिफिकेट बनाए हैं, शील्ड्स बनाए हैं, और एक उनका शुक्रिया अदा करने का हमें मौका है। This is the main reason to have this event. On top of that, to send the party message across कि ये आम लोगों की पार्टी है, ये अवामी पार्टी है, अवाम इन्वॉल्व है। जैसा आपने अभी देखा कि हमें बच्चे भी हैं यहाँ पे, ख़वातीन भी हैं, और यही लोग जब इवेंट होता है तो उसमें वॉलंटियर का किरदार। तो आज वी आवर स्पेशल थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर्स एंड आवर स्पेशल थैंक्स टू आवर वॉलंटियर। वी लव दैम एंड वी लाइक टू सी दैम वेयर एवर वेन एवर एंड दे ऑलवेज कम whenever we ask them, and this is their day and we are here to serve them the best we can. Thank you. Assalamu alaikum ji, mera naam Mohammed Ibrahim hai. Main टोरंटो स्कारबरो से, स्कारबरो रीजन से पीटीआई का कोऑर्डिनेटर हूं, और मैं कैप्टन टीम के साथ काम करता हूं। कैप्टन टीम के आज का जो प्रोग्राम है, मैं उसके लिए अप्रिशिएट करना चाह रहा हूं कि आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा है। और हम आज के जो प्रोग्राम में जो वॉलंटियर्स हैं हमारे, उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा हमारे साथ काम किया, कोऑर्डिनेट किया, और दिल खोल के जिसमें के अंदर उन्होंने हमें वो स्पॉन्सर किया। तो आज का जो प्रोग्राम है ये सारा उनको अप्रिशिएट करने के लिए। और ये जो काम है, ये जो टीम कप्तान है वो कर रही है, और मैं देख रहा हूँ कि कप्तान टीम जो है वो ग्रास रूट लेवल पे आ रही है और अपने तमाम कम्युनिटी के जो भाई बहन हैं उन सबको आगे लेके आ रहे हैं, ताकि पीटीआई टीम के अंदर इनको शामिल करें और इनको आगे से आगे मजबूत करते जाएं, पीटीआई टीम को मजबूत करते जाएं। मुझे बहुत खुशी है कि मैं टोरंटो स्कारबरो के रीजन का कोऑर्डिनेटर हूँ और पीटीआई को सपोर्ट करता हूँ, और टीम कप्तान के साथ मैं हमेशा इनके साथ रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वहाब शाह है और मैं मिसेस आगा ब्रैम्पटन से ताल्लुक़ रखता हूं। और आज यहां पे टीम कप्तान की तरफ से हम सबको इनवाइट किया गया है। हम सब बहन भाइयों ने यहां पे जितने भी वॉलंटियरली काम किया था लास्ट प्रोग्राम में, तो इन सब ने जो है हमें यहां पे इनवाइट किया हुआ है। अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं सबको, और बहुत अच्छा रौनक यहां पे लगी हुई है। और यहाँ पे टीम कप्तान जो है काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, और इसके अलावा मैं अपनी कम्युनिटी को भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग आएँ और टीम कप्तान में अपनी मेंबरशिप ज्वाइन करें, क्योंकि हर लेवल पे, हर प्लेटफॉर्म पे टीम कप्तान आगे आगे है, चाहे वो प्रोटेस्ट के उसमें हो, चाहे ऐसे के इवेंट्स वो ऑर्गेनाइज़ कर रही हो, या फिर इससे पिछली जो बारबेक्यू किया था। तो टीम कप्तान को आज तक मैंने देखा है हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अमीन खटक नाम है मेरा, एक्स प्रेसिडेंट पील रीजन पीटीआई। आज अभी कुछ अर्सा पहले हमारा एक इंसाफ बारबेक्यू हुआ था ईद पे, हमने पीटीआई के जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, मेंबर्स हैं, सबके लिए एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट हुआ था। उसमें जो हमारे वॉलंटियर्स थे, हमारे स्पॉन्सर्स थे, आज का दिन हमने उनके नाम किया हुआ है, उनको इन्वाइट किया है और उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको उनकी एफ़र्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनके लिए सर्टिफिकेट और कुछ अवार्ड्स बनाए हुए। तो इनका मकसद यही है कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे, किसी के पास टाइम नहीं होता, ये लोग सुबह से लेकर शाम तक खिदमत के लिए खड़े होते हैं पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए, और उनको रिकॉग्नाइज करना बहुत लाजमी है। इसलिए हमने इन सबको गैदर किया हुआ,
और इनको मोटिवेट करने के लिए कि नेक्स्ट भी जितने भी हमारे इवेंट्स आएँ ताकि ये काफिला बढ़ता जाए वॉलंटियर्स का और ये हमेशा पीटीआई के इवेंट्स में ऐसे ही एक्टिवली परफॉर्म करें। इसके अलावा हमारे पास जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं हमेशा हमें उनकी सपोर्ट मिली है, दे आर द बैकबोन ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी। हर इवेंट में वो 14 अगस्त पे हमने किया है, वो पीटीआई के जितने भी पिछले प्रोटेस्ट हुए हैं उन्होंने हमेशा दिल खोल के हमारे साथ सपोर्ट किया है, उनके लिए उनको हमने रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको इनवाइट किया है, वॉलंटियर्स को किया हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टैग टीवी ताहिर गोरा साहब का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं ये दिल खोल के हमारे साथ देते हैं, आके हमें कवर करते हैं, बिल्कुल एज अ पाकिस्तानी एज अ सपोर्ट उनकी जितनी भी कवरेज की हमें ज़रूरत पड़ी है वो एनी टाइम जब हमने उनको रिक्वेस्ट किया है बगैर उसके ये पहुँचे वहाँ पे उन्होंने कवरेज दी है। ओके जी, मेरा नाम मुनाजा है और मैं यहाँ ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे पीटीआई का जलसा हो रहा है और यहाँ पे अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट हम लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने पीटीआई के लिए काम किया है और यहाँ पे बच्चों ने बहुत मेहनत की है और सब ने इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए अच्छा तावुन दिया हमें यहाँ पे और लोग बहुत खुश हैं और हमारी यहाँ पे यही कोशिश होती है कि पीटीआई का जो नारा है कि ईमानदारी और हम उन्हीं लोगों को यहाँ पे सर्टिफिकेट दिए हैं जिन्होंने ईमानदारी से और मेहनत से यहाँ पे उनके लिए काम किया है और हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इमरान खान का कि वो हमारे लीडर हैं और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और हमेशा हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे और हमेशा उनके लिए हम यहाँ पे खड़े रहेंगे, हम सब मुत्तहद हैं उनके नाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ मिनहास है, हम आज लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं मिसिसागा में लेक शोर पार्क में, ये पीटीआई की गैदरिंग ज़फ़र इकबाल साहब ने और अमीन खटक साहब ने आज अरेंज की है और इसमें सब फैमिलीज़ यहाँ आई हैं, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे इन सब के साथ मिलके और हमने आज जो जोश और जज्बा देखा है यहाँ पे मिसिसागा के पील रीजन के लोगों में मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसी एफ़र्ट्स जो हैं वो हमें बिल्कुल करनी है, आइंदा भी करनी है, उनको जारी रखेंगे और हमारी पूरी सपोर्ट होगी इंशाल्लाह पील रीजन में जो ज़फ़र इकबाल और अमीन खटक साहब की टीम है, तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं इस वक्त हमारे इस मैसेज को, उनको ये पता चलना चाहिए कि पीटीआई के सपोर्ट में ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मेरा नाम फराज सलीम है और आज मैं आई हूँ पीटीआई के इवेंट में यहाँ पर और ये इतना खूबसूरत इवेंट हो रहा है और पिछला इन्होंने जो किया था बारबेक्यू उसके बल्कि शुक्रगुजारी में इन्होंने वॉलंटियर्स के लिए किया है जो कि बहुत प्यारा किया है और बहुत अच्छा लगा कि सबसे बड़ी बात यह लगी अच्छी कि यूनिटी सबके अंदर आ रही है, सबके अंदर मोहब्बत, हमें कभी मिले नहीं थे आपस में, जो पीटीआई के ज़रिए इमरान खान के ज़रिए हमें ये आपस में इकट्ठा किया गया, जैसे हम इस्लाम के नाम पे इकट्ठे होते हैं, प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे इकट्ठे होते हैं, इसी तरह से पीटीआई उसके और इमरान खान के नाम पे सारे इकट्ठे हुए हैं। खाना इतना प्यारा मज़े का मिला है, खाना यहाँ पर इन्होंने दिया है और बहुत मोहब्बत आपस में है सबके और सबके अंदर बहुत ज़्यादा आपस के अंदर इतनी मोहब्बत है कि जैसे लग रहा है कि मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ और मेरा बहन भाई है जो भी है सारा, हम सबको इसी तरह इकट्ठे रहना है, कोशिश करना है कि पीटीआई के लिए काम भी करना है, अपने मुल्क के लिए, पीटीआई का मायने है मेरा मुल्क, बस उसके लिए हमने काम करना और इकट्ठे होकर रहना है और जुड़ के रहना है इंशाल्लाह।